देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा आज भी जारी है। कई ऐसे तबके हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी महिलाओं को सम्मान नहीं देते और उन्हें अपने बराबर का दर्जा देने में हिचकिचाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इंदौर के एम ग्रुप ने बढ़ते डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के खिलाफ आवाज़ उठाई और क्लब की महिलाओं को इससे जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई। क्लब की प्रेसिडेंट सुप्रिया मदान की माने तो नेशनल लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन में 90% डोमेस्टिक वायलेंस के केस दर्ज किए गए हैं और वुमन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना शामिल है। विश्व का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी आज भी महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाने दी जाती, लेकिन आज की महिलाएं जानती हैं कि उनका क्या हक है और इसी के चलते एम ग्रुप की प्रेसिडेंट सुप्रिया मदान ने क्लब की सभी महिलाओं से अपील की है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाएँ और अपने साथ दूसरों को भी प्रेरित करें कि हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, डरे नहीं, अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं और बेटों को सीख दें कि वो महिलाओं का आदर करें, तभी हम डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ों से देश को मुक्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सुप्रिया मदान, प्रेसिडेंट ऑफ एम ग्रुप। दोस्तों, हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के नाते यह मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की विनम्र कोशिश है। नालसा की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि नेशनल लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके मुताबिक जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है तब से अब तक जितने भी केसेस ऑल अक्रॉस इंडिया दर्ज किए गए हैं उसमें 89% केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, घरेलू हिंसा के हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड नंबर 1, हरियाणा नंबर 2 और हमारे देश की राजधानी दिल्ली नंबर 3 पर है। कमाल की बात यह है कि ऐसे पुरुष प्रधान समाज में जहां हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जहां महिलाएं अपने खुद के घर में सुरक्षित नहीं हैं, भारत में महिलाओं को ऐसी सीख दी जाती है कि आपके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के बारे में आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, घर की बात है दबा दो, क्या हुआ, गुस्से में होगा, इस तरह की बातें करके इतना जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है घरेलू हिंसा, इस चीज़ के खिलाफ कभी भी आवाज़ उठाई नहीं जाती, उठाने दी नहीं जाती और इस मुद्दे को वहीं चुप्पी साध ली जाती है और इससे गुनहगारों के जो हौसले हैं वो और बुलंद होते हैं, उन्हें और शय मिलती है। पर जो साक्षर महिलाएं हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं इस समाज का, वो अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमेशा सज्ज रहती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, घरेलू हिंसा एक कानूनन अपराध है। डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली कंसिडर्ड फिजिकल टॉर्चर बट ऑल्सो वर्बल एंड मेंटल एंड सेक्सुअल, जिसके अंदर आपको, अगर आप कोई महिला इसके खिलाफ अगर कंप्लेन करती है तो 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट और साथ में एक काफ़ी दंडनीय अपराध है ये। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आसपास अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस होते देखें तो आवाज़ उठाएं, अपने घर में जो मेड्स काम कर रही हैं उन्हें साक्षर करें इस बारे में कि ये वाकई एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक संवेदनशील मुद्दा है, उन्हें कहें कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, रेज योर वॉइस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वह फाइनेंशियली कहीं पर भी आप कभी भी किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, आत्मनिर्भर रहें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, अपने बेटों को सीख दें कि महिलाओं की इज्जत करें और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जाए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।